साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। खून के रिश्ते हुए तारदार, 5 महीनों से बेटी को हवस का शिकार बना रहा था पिता, गिरफ्तार। पानीपत, एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 13 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पिछले करीब 5 माह से बेटी को हवस का शिकार बना रहा था पिता। बरसत रोड पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक बाप ने रिश्ते को तार तार करते हुए बेटी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बेटी ने इस दर्द को पड़ोसियों के साथ बयां किया है। इसकी सूचना मिलने पर एनजीओ, जिसके बाद CWC के माध्यम से पुलिस को दी गई। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी एक दुकान में काम करता है, उसकी 3 बेटी और 1 बेटा है। पुलिस को दी शिकायत में बड़ी बेटी ने आरोप लगाया है कि ये बात माँ को बताई थी, उन्होंने अनसुनी कर दी। इसके बाद भी पिता दुष्कर्म करता रहा। बाद में पड़ोसियों को बताया, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मूल रूप से बिहार का रहने वाला, 6 माह पहले ही आरोपी अपनी बेटी को बिहार से पानीपत लेकर आया था। पानीपत के थाना शहर क्षेत्र में 13 साल की बेटी ने अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पीड़ित किशोरी के बयान पर केस दर्ज किया है। किशोरी ने आरोप लगाया था कि पिता उसके साथ 5 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। बाल कल्याण समिति ने किशोरी की काउंसलिंग। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।